कहते पटना शहर के पहला गुरु नानक देव जी गए नाल भाई मरदाना जी गए साल सराहे जोहरी जिसने एक गुरु जी ने दिता सी लाल भाई मरदाना जी पारख की तो समा घटता ही नहीं आप क्यों विचार खुल के कर लेंगे भी उस लाल की पारख की साल सराहे जोहरी ने उन्होंने समय के लाल देख का 100 रुपया दिता सगा भेटा किया साल सराहे जोहरी गुरु जी को कह लग्या नानक देव जी तुम मेरे घर कुछ समा रहो गुरु जी कहते भाई तेरे घर आवेंगे जरूर असं पहले पास की गल करें मैं तो आवेंगे दसवें जामे कई सार रह के जावे एक दो घंटे या एक दो दिन कई सार रह के जावे हालांकि जो आनंदपुर साहब की जमीन आ गुरु तेग बहादुर जी ने राजा दीप चंद तो मुल खरीदी सी जी ये पहला इस नाम चक नानकी पिया माखौल पिंड से पहला पिंड का नाम फिर चक नानकी फिर उस आनंदपुर साहब पिया जो गुरु पहले पास कहा वचन फिर गुरु तेग बहादुर जी गुरु तेग बहादुर जी माता जी माता नानकी जी माता गुजर कौर जी ते मामा कृपाल चंद भाई मनी सिंह नाथ पटना शहर के गुरु जी उत्थे सास है जोहरी की हवेली छड़ के गुरु तेग बहादुर जी अगे पठान वालों असाम वालों जाले पाए सिख का प्रचार करने वास्ते वो कह के सानू जाण लगे गुरु तेग बहादुर जी ने जो मेरा साहजादे ने जन्म लेना है उसका नाम गोविंद राय रखे हो कह गए सन माता नानक ने अपनी माता जी ने 1666 अपने सबू पता जी गुरु गोबिंद सिंह प्रकट हुए यह सारा इतिहास ही अपने सबू याद आ देखो पीर भीखम शाह ने कई ने वाला लिखा संत सिंह मसकीन जी ने तो कई ने लखलौर लिखा जी जो मुसलमान या सलाम धर्म वाले कह लिए ये पश्चिम वाल सजदा करते हैं तो हिंदू धर्म वाले दक्षिण वाल करते हैं जो प्रगट होए तो पीर भीखम शाह ने फिर पूर्व वालू सजदा किया कहिंदा जो अल्लाह का नूर आ परमात्मा रूप आ वो पटना शहर में प्रगट होया उस तो बाद दस के गए सन ढाडी था भाई जसवीर सिंह जी भी दो कुजे लैके आते जो लै गया पीर भीखम शाह तो बेनती की मामा कृपाल जी ने कहा भी असं दर्शन करने जो माता गुजर वाली कुख तो अल्लाह नूर परमात्मा रूप प्रगट होया उस तो बाद जो दर्शन किए पीर भीखम शाह ने अगे कुजे कितने दोनों दोनों ने हाथ रख दिता भी मैं सांझी बात का जो साझदा सब का सांझा गुरु हाँ गुरु जी ने की कहा ब्रह्मण खत्री सूरबैस अवदेश चौ मन को सांझा गुरु ग्रंथ साहिब बाणी के लिए सिखा वास्ते नहीं है जी सब वास्ते जो पढ़ लूगा वह भारत तारा होजूगा जे वासुदेव भारतवाज का भारत तारा होया नहीं अमरीका जू जू जो समा घटा जू टू गल वासुदेव भारतवाज ज्यों आ जाओ वो कहानी सुन लियो चलो आप गल करिए शिवदत्त पंडित जदों बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन उम्र गंगा के किनारे खेडन जाते शिवदत्त पंडित यह पता लग्या भी गुरु गोबिंद सिंह जी परमात्मा रूप हैं जेकर उन्होंने परमात्मा रूप होकर दर्शन देने फिर मैं गुरु गोबिंद सिंह गुरु मना कहीं कहीं खेडते खेडते ही शिवदत्त पंडित ने जो देखे गुरु गोबिंद सिंह जी वल तो परमात्मा रूप होकर दर्शन दिते शिवदत्त पंडित हालांकि रामचंद्र का उपासक सी पर गुरु जी का सिख बनया राणी मैणी फतेह चंद मैणी राजा सीगा जी उसकी घरवाली राणी मैणी फतेह चंद दोवें गए शिवदत्त पंडित नूं कहण लगे भी साडे घर कोई औलाद नहीं है भी सानू एक पुत्र की दात बख्शो शिवदत्त पंडित कोल गए सन जी शिवदत्त पंडित कहिंदा फतेह चंद मैणी राजे नूं ते राणी मैणी नूं भी जे तुसीं घर बैठ के अपने गुरु गोबिंद राय जी नूं याद करो ते सानू घर दर्शन देणगे ते उहनां कोल बख्शिश है ते पुत्री दात दे सकदे हां इह शिवदत्त पंडित ने कहा सी कि भरोसा बन गया उहनूं जे शिवदत्त पंडित भरोसा बन गया तो सानू भरोसा बन गया गुरु ग्रंथ साहिब बाणी दे उपर 239 साल खजाना पूरा होया जी असीं कीता भरोसा जिन्हें संगत आई आ जिन्हां ने अमृत की दात प्राप्त नहीं की जरूर अमृत दस सको जी अमृत जरूर प्राप्त करो उस तो बाद कहिंदे राणी मैणी उसका पति फतेह चंद मैणी घर बैठ के याद करन लगे एक बार एक भरोसा बन गया देखो एकदम मन की मन तक गल जरूर पहुँचती है चाहे चंगी हो चाहे माड़ी हो किसी भी गल करते चुगली करते तक जरूर पहुँचती है
राणी मणि घर बैठ के गुरु गोबिंद राय जी जान याद कर लगे। जो भरोसा बनया तो वे राणी मैणी ने भरोसे करके पूरिया छोले बना के तैयार करके रखे। गुरु गोबिंद राय जी कहते खेडते खेडते बच्चों के नाल राणी मैणी के कोल वो महलों में पहुंचे सन। तो कहने गुरु गोबिंद राय जी ने आवाज़ भी मारी, मां मैं आ गया। हुण मां शब्द तां हुण राणी मैणी ने सुनिया नहीं सी कदे। कहने राणी मैणी ने मां शब्द सुनिया, देखिया भी गुरु गोबिंद राय जी आ गए हैं। जफ्फी ना घुट के जफ्फी बाई चक लिया, गोद में लै लिया। एक बार फिर कह दिता राणी मैणी ने, एक बार फिर कह दियो मां मैं आ गया। गुरु गोबिंद राय जी ने एक बार फिर कह दिता भी मैं आ गया हाँ। जो पुत्री तृष्णा सी खत्म हो गई। गुरु गोबिंद राय जी कहन लगे राणी मैणी नूं, मां मैं तुहाडा पुत्र बन गया, तुसीं नूं मैं तुहानूं पुत्र मां कह दिता है। राणी मैणी कहिंदी वी देख माता गुजर कौर तुहाडी मां है, ते दो मामां दा तुसीं किस तरह दस्सन जा करेंगे हो। गुरु गोबिंद राय जी कहिंदे जदों वी याद करेंगे तुसीं उस समय मैं तुहाडे कोल आया करांगा। गुरु गोबिंद राय जिन्ना समां रहे उन्ना समां राणी मैणी घर दे बच्चिआं नाल जा के पूरियां छोले छकदे रहे। हुण आपां गल अगे करीए जी। गुरु तेग बहादुर जी हुण जी असाम गया होया सिक्खी दा प्रचार करन वास्ते। उत्थे दा राजा सी बाबा राम आना, बाबा कहेगा राजा सी राम राय जी, जिहदा पुत्र सी रतन राय। राजा राम राय घर कोई इलाद नहीं सी। राजा राम राय ने सेवा बहुत की। गुरु तेग बहादुर जी कहने गुरु जी मेरे घर पुत्री दात बख्शो। गुरु तेग बहादुर जी कहने तेरे घर पुत्र होएगा तो उसनों सिक्खी सरूप रखना, वो मत्थे उपर एक ओंकार का निशान होएगा, गुर परमेशर एको जान। जदों राजा रतन राय जवान होया, गुरु गोबिंद सिंह उम्र दा सीगा जी, वो पुछण लगा अपनी मां नूं भी मां जो मेरे मत्थे पर निशान है कहड़ा निशान जुड़े देखता। तो उहदी मां कहण लगी बेटा गुरु तेग बहादुर जाए सन अपने घर, जो तेरा पिता सी राजा राम राय ने बेनती की गुरु जी ने भी मैंने एक पुत्री दार बख्श। तो गुरु जी कहा गुरु जी ने भी तुम इन्हें सिक्खी सुरू रखना, तो वो जो मत्थे एक मुका का निशान होएगा। जो ये विचार से मैं पिंदर वाले विचार समझ की है जी, कोड़े में गल बना के कह रहा ये भी दस बेनती कर ली। जन कहा फिर असाम की जो राणी सी राम राय की घरवाली अपने पुत्र रतन राय ने भी देख। गुरु गोबिंद वो पुछ लगे गुरु तेग बहादुर जी मैं दर्शन करने हैं। वो कहने गुरु तेग बहादुर जी सीधियां प्राप्त कर चुके हैं, पर उन्होंने साहबजादे हैं गोबिंद गुरु गोबिंद राय जी। चलो आप गल करिए भी असाम तो गुरु तेग बहादुर जी तकरीबन 3 साल बाद आए सन। उस समय गुरु गोबिंद सिंह की उम्र 3 साल ही हो चुकी थी। हुण आपां सिंह साहब जी वरतांगे जी। उस तो बाद कहने सिर्फ 2 महीने रह गुरु तेग बहादुर जी पटना शहर के। 2 महीने बाद अपनी माता नानक जी कह के मामा कृपाल चंद जी अपने महलों माता गुजर कौर जी भाई मन सिंह कह के पंजाब वाल चले पाए। जो आनंदपुर साहब पहुंचे उस तो भी 3 साल बाद सुनेहा भेजा सिखा को भी जाओ पटना शहर के जो मेरी माता नानकी जी जो मेरा साहबजादा है गुरु गोबिंद राय जी तो माता गुजर कौर भाई मनी सिंह मामा कृपाल चंद कहो भी हुण तुसीं आनंदपुर साहब पहुंचो। हुण गुरु गोबिंद सिंह की उम्र जी 6 साल ही हो चुकी है। गुरु गोबिंद सिंह जी पटना शहर चल के माता नानकी जी माता गुजर कौर जी मामा कृपाल चंद भाई मनी सिंह जो आनंदपुर पहुंचे सन, उस समय कहा गुरु जी ने जो दर्शन किए ना गुरु तेग बहादुर जी के, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। उस तो बाद नौं चक नानक बल के आनंदपुर साहब गया। हुण कश्मीरी पंडित जी जो रंग 58 विच बैठे तख्त दे उपर, औरंगजेब बादशाह ने कश्मीर यह कहता से अपने सिपाहियों भी जो कश्मीरी पंडित हैं भी उन्होंने जनेऊ ला दिओ तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कराओ। देखो औरंगजेब बादशाह ने कश्मीर को क्यों हाथ पाया, मारो मनांदे झत क्यों हाथ पाया कश्मीर को। आगरे में पंडित बहुत सन, दिल्ली में बथेरे पंडित सन, होर नेड़े पंडित बहुत सन, कश्मीर क्यों हाथ पाया जाके। कश्मीर तो मुखी पंडित तैयार होंदे सन, जो बलवान बन तैयार होंगे सन कश्मीर में तां थपाया सी। चलो आ गुस्सा का नाम रहा जी, गल सच्ची है जी। वैसे
इंदिरा गांधी ने हरिमंदर साहब क्यों हाथ पाया? बंगरा साहब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, क्यों हाथ पाया? हरिमंदर साहब साडा मुख स्थान है, तो सिख तैयार होंदे आ। चलो आपां उत्थे ले चलीए कश्मीर विच ही। कश्मीरी पंडतां ने बड़े ताड़े मारे, मिहनतां कीतियां 7 साल लगातार, किसी ने नहीं सुनी उन्हां दी। पंडित कृपा राम ने फिर इतिहास पढ़िया सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी का पढ़िया जो इतिहास, भी छेवें पातशाह ने ग्वालियर के किले विचों, ये असल ग्वालियर की जेल सी जी, भी ग्वालियर जेल विचों 52 राजे रिहा कराए सन, उन्हों का साहिबजादा गुरु तेग बहादुर जी। जे अपना उन्होंने जाके बेनती करिए, हाथ जोड़ के तो अपनी बेनती प्रमाण कर अपनी धर्म रखिया, वह कर सकते हैं। पंडित कृपा राम के नाल बलवान आए कश्मीर तो, गुरु तेग बहादुर ने बेनती की, गुरु जी साडे धर्म नूं खतरा है, सानू कई साल हो गए जो औरंगजेब बादशाह रजाना ही सवा मन जनेऊ जी, संत हरदेव सिंह लुल्लू वाले ने जी व्याख्या की 52 उंगलों का एक जनेऊ हुंदा, भी 1000 तो उपर पंडित बनते आ, उन्होंने जनेऊ ला के सामने जाल के फिर वो रोटी हजमाउंदे सी। गुरु तेग बहादुर जी कहने भाई देखो, तुसी औरंगजेब बादशाह जाके कह दिओ, जेकर नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟੇਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਨਾਗ ਪਾਥਰੇ ਪੂਜੋ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਡੁੱਬੇ ਤੁਮ ਕਾਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅੰਗ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 430 ਤੰਗ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਰਾਹ, ਤਾਂ ਗੁਰਬੋਧ ਨੰਕੂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਤੁੱਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰੋਪੜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਨੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਪੀ ਮਾਰਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 1675 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੈਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ 22 ਧਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਭਾਈ 22 ਬਹਿਣ ਕਹਿ ਦੀਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਆ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, 1.5 ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਜੋ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਭਗਾਣੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਭਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਧੀਆ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ,
पर रंग जे बादशाह नहीं सी दस सकती जां भीम चंद राजे नूं नहीं दित्ती सकदा इह तां छोटे जिहे एरिए दा राजा है भीम चंद तां इहनूं नहीं दित्ती जा सकदी इह इस तरह इह भगाणी दा युद्ध इक कारण इह सीगा इक सीगा जो फतेह शाह मैणी उत्थे वह भी एक राजे नाल दुश्मनी पै गई सी इस करके वह दुश्मनी करके गुरु गोबिंद सिंह उत्थे गए सन भी समझौता कराए दोनों का मेदिनी प्रकाश दो राजे मेदिनी प्रकाश फतेह शाह उन्हें समझौते कारण कर गए सन पर भीम चंद हंकार हो गया सीगा भी मेरी दा बहुत बन गया रंगजीब नाल हंकार होने करके जो भगाणी युद्ध होया जी 1687 होया खालसा पंथ की स्थापना नहीं की जी खालसा साजा नहीं सी अजे सब तो वड्डा युद्ध आ ते सब तो पहला युद्ध आ जिस विच गुरु जी ने जित्तां प्राप्त कीतियां गुरु गोबिंद सिंह ने परमात्मा नाल रूठ आसरा लिया ते चढ़दी कला विच रहे आपां इतिहास लई भी परमात्मा नाल रूठ आसरा कितने लिया जी सानूं पता लगे अज ना बड़ी प्रचलित गल की जाती है जी ये भी सिक्खी नूं बड़ा खतरा सिक्खी नूं कोई खतरा है नहीं 1% भी सिक्खी नूं खतरा नहीं है बाबर ने गुरु नानक जी नूं जेल विच ही रखिया पर सिक्खी चढ़दी कला विच रही गुरु अर्जन नूं जहांगीर बादशाह ने लाहौर दे विच तत्तियां तवें दे बिठा के शहीद किया गया तो सिक्खी चढ़दी कला विच रही गुरु हरगोबिंद साहब न ग्वाली जेल में रखा गया तो सिक्खी चढ़दी कला विच रही उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी दी दिल्ली में शहीदी हुई भाई मतीदास भाई सतीदास भाई जाली शहीदी हुई पर सिक्खी चढ़दी कला विच रही बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ने सामने पहला आनंदगढ़ के किले की भी गल कर ली ना जो बादशाह लोग होंगे जी 3 नियम वरतते होंगे तिने जो वरतद यह पहला विचार फिर हथियार से फिर आहार पहला विचार समझी की नहीं गल बनी फिर उन्होंने दो जंगा हुई ने आनंदपुर साहब के उपर जो किला सेंटर पहला 1704 तो पहला दो जंगा फिर दो जंगा भी लड़िया जो हथियार ना कम ना लुटा फिर उन्हें आहार बंद कर दिता आनंदगढ़ किले अंदरों जो कि भोजन जाना बंद कर दिता पानी जाना भी बंद कर दिता इतों तक जी जो प्रशादी हाथी दिता जी ना आसाम के राजे ने रतन राय ने तो वह भुख का मारा मर गया सीगा जी सिंघां ने पत्ते खा के जां पत्ते उबाल के वह पानी पी के भी गुजारा किया 7 महीने लगातार असी ना गड्डियां लिखा लें बड़ा ए भेदा तेरी दतार अगली लाइन पढ़ी किसी ने केत्या दूख भूख सद मार ए भेदा तेरी दतार ये हथ किए सन गुरु गोबिंद सिंह ने उत्ते केत्या दूख भूख सद मार ए भेदा तेरी दतार 7 महीने घिराबाई रखे आनंदगढ़ के किले में पर गुरु जी ने जां सिंघां ने माता गुजर कौर जी सन माता साहिब कौर माता सुंदर कौर चारे साहिबजादे 5 प्यारे सिंह सन फिर भी जो 22 दा राजे सी इन्हां ने गऊआं ने कसमां खाधी सानू पन पता जी ते इस्लाम धराने क्रांत सिंह ने कसम खाधियां भी एक बारी आनंदगढ़ साहिब दा किला छड्ड दिओ ते मुड़ के जल मर्जी भी सेवा करो एक बारी छड्ड दिओ पर फिर आपां नूं पता भी कसम नूं मुक रहे हो जो चलो आप गल एक मेरी मन में गल लैके आया जी वह भी गल करनी चाहिए आ दस ही बेनती की भी जो भी परमात्मा का उड़ासा लै लो चढ़ती कला विच रहा गुरु गोबिंद साहिबजादे चमकौली जंग शहीद किए गए गुरु जी ने जयकारे बुलाए चढ़ती कला विच रहे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी सरहंद में शहीदियां प्राप्त कीतियां ते पर गुरु गोबिंद सिंह चढ़ती कला विच गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र कितनी सी जी कुल उम्र 42 साल की सी ते 42 साल की उम्र में गुरु जी ने 14 जंगा भी लड़िया 14 में जितना बराबर दिखते हैं चढ़ती कला जो अज भी जी आप हूँ भी गल करिए जो मनुख परमात्मा का ओर आसरा लै ला जी वो चढ़ती कला रहा हाँ सू थोड़ी होर समझ आ जाए